कि डायोड कौन होता है, कैसे पहचानते हैं, जीनर कौन है कैसे पहचानते हैं, और अगर जीनर है तो कितने वोल्ट का है ये कैसे पहचानते हैं। ये नंबर से नहीं बल्कि उसके हम दूसरे तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि हजारों जीनर होंगे और हजारों तरह के डिजाइन होते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो यहाँ पे बताया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लाइव के क्लास में हम लोग 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्जूम चार्जर में 10 वोल्ट का सर्किट, 5 वोल्ट का सर्किट और 12 वोल्ट का सर्किट कहाँ है और उसकी पहचान क्या है और वो कहाँ कहाँ वोल्टेज देता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। इस सर्किट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बैटरी को सप्लाई, बैटरी को जोड़ना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बैटरी को जोड़ चुके हैं और MCB को भी ऑन कर चुके हैं। तो सबसे पहले इस चार्जर को ठीक करने के लिए हमें 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट ओके होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे 48 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, जो कि सप्लाई है 48 वोल्ट, तो उसी हिसाब से हमें मल्टीमीटर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे एडजस्ट करना है, उसके बाद रेड प्रोब को जहाँ से बैटरी की सप्लाई है वहाँ पे जोड़ना है और ब्लैक प्रोब सेकेंडरी साइड में ही जोड़ देना। तो बैटरी की सप्लाई देखिए 50 वोल्ट के आसपास आ रही है, यहाँ से इसके सामने फ्यूज है जो कि 40 एम्पीयर का होता है, यहाँ पर भी ये सही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच डायोड लगा होता है, तो डायोड के द्वारा भी ये वोल्टेज हमें यहाँ मिलती है सेम। उसके बाद इसके नीचे आपको रेसर और जीनर डायोड लगा होता है। तो ये देखिए 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट, ये 10 और 12 वोल्ट के सर्किट में आपको देखेंगे ये मोटे मोटे दो रेजिस्टर लगे हुए हैं और इसके ठीक नीचे जीनर डायोड है। तो दोस्तों, जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो इसे डायोड समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डायोड नहीं है, ये जीनर डायोड है। तो देखने में हमारे यहाँ तो बहुत सारे सर्किट में आप देखेंगे कि डायोड की तरह चीज कोई कंपोनेंट लगा है तो वो जीनर होता है, और जीनर की चीज की तरह लगने वाला कंपोनेंट डायोड होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि डायोड कौन होता है, कैसे पहचानते हैं, जीनर कौन है कैसे पहचानते हैं, और अगर जीनर है तो कितने वोल्ट का है ये कैसे पहचानते हैं। ये नंबर से नहीं बल्कि उसके हम दूसरे तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि हजारों जीनर होंगे और हजारों तरह के डिजाइन होते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो यहाँ पे बताया जाता है। तो ये मैंने दिखा दिया जिसे आपको 10 वोल्ट और 12 वोल्ट के सर्किट का एरिया है। अब ये 10 वोल्ट की सप्लाई और 12 वोल्ट की सप्लाई कैसे जाती है और कहाँ जाती है ये मुझे समझना है। तो कैसे समझेंगे, तो ये आपको ट्रेस करना होता है और यहाँ पे हमें 10 और 12 दोनों मिलनी चाहिए। देखते हैं इसमें है कि नहीं। इसके लिए हमें MCB को ऑन करना होगा और मल्टीमीटर आपको 200 के जगह पर 20 वोल्ट पे रखना होगा, तो आपको एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया, 10.38 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट कह सकते हैं, और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इस बात की सावधानी रखनी होगी कि आपस में ये आपका प्रॉप टच ना हो जाए, नहीं तो तुरंत ये पतला वाला ट्रैक है वो उड़ सकता है। उसके बाद ये जो सप्लाई आएगी 12 वोल्ट की सप्लाई के बारे में पहले मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे चलता है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ से यहाँ जम्पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वोल्टेज हमें इस साइड भी मिलनी चाहिए, देखिए, यानी ये आपको सप्लाई दिया जा रहा है एमीटर पे, कलेक्टर से ये सिग्नल आउट हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो एक PNP ट्रांजिस्टर है और इसका बेस लो होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी वोल्टेज आएगी लो, सिग्नल के रूप में कम आएगा, ठीक है।
देखिए उससे कम आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसफर काम कर रहा है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको लाना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज कौन देता है, कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये ट्रांजिस्टर बोर्ड पे खराब है या नहीं, हम बोर्ड पे ही पता कर सकते हैं बाय वोल्टेज या चेक करके। तो यहाँ पर वो चीज भी बताई जाती है। तो इसके लिए इस पे वोल्टेज यानी बीच वाले पिन जो कि बेस है, इस पे जब तक वोल्टेज नहीं आएगा तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो इसका वोल्टेज 48 वोल्ट के थ्रू आता है कुछ ट्रांजिस्टरों के मदद से। तो हम देखते हैं कि 48 वोल्ट की सप्लाई चली है यहाँ से। इसके लिए 48 वोल्ट चेक कर रहा हूँ, तो मल्टीमीटर को हमें 200 पे रखना होगा। और ये 48 वोल्ट की सप्लाई का ट्रैक अगर आप देखें तो ये यहाँ आया 48, फिर ये जम्पर लग करके यहाँ, फिर ये पहुँचता है यहाँ इस पिन पर, और यहाँ से यहाँ जम्पर लगा है, ये जीनर डायोड है वो वहाँ पे पहुँचेगा, फिर ये जीनर डायोड अपने वोल्टेज को कम करके इस साइड में दे देगा। जैसे कि आप देखिए 16 के आसपास मिल रहा है। इस साइड अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ 50, और दूसरी साइड में ये 16 आ रहा, ये वोल्टेज हमें मिलती है। फिर इसके बेस पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये बेस पे 0.6 वोल्ट। फिर इसके कलेक्टर पे वोल्टेज कम हो जाएगी थोड़ी, यानी लगभग 10-12 वोल्ट की जगह पे कम मिलेगा हमें इस पिन पर हमें यहाँ पे, क्योंकि लो हो गया। तो ये हमें वोल्टेज अगर कम करूँ तो थोड़ा बहुत वोल्टेज यहाँ पर मिलती है हमको, यानी जैसे बेस हाई, जैसे आप देख रहे हैं बेस हाई तो कलेक्टर लो, कलेक्टर लो हो जाता है। तो लो होने के मतलब है कि जब ये लो होगा तो इसके बेस की वोल्टेज भी लो हो जाती है, लो हो जाती है, जिससे ये ट्रांजिस्टर काम करता है, ये ट्रांजिस्टर काम करता है। देखिए मैं आपको लो दिखा रहा हूं, यहाँ पे 10.9 है और यहाँ पे आप देखिए 11.6। तो ये लो हो गया है जिससे ये काम करता है। अगर ये सर्किट खराब हो जाए तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले। अब ये 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है ये समझना है। तो ये ट्रैक अगर हम पकड़ के चलें तो फिर ये आपको कुछ कंपोनेंट और जम्पर के द्वारा, कंपोनेंट के मीन्स एक थर्मिस्टर लगा होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद ये आपको 35-25 IC के 13-15 पे मिलती है। तो ये आपको 16 नंबर पिन है, ये 15 नंबर पिन है, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलनी चाहिए, 12 वोल्ट मिलनी चाहिए जो 11.6 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ये वोल्टेज हमें मिल चुकी है। अब यही 12 वोल्ट की सप्लाई आपको ड्राइवर विभाग में जाएगा, जो कि ये सेम ट्रैक है, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये ट्रैक सेम है लेकिन यहाँ बीच में डायोड लगा हुआ, यहाँ से यहाँ डायोड लगा, ये आपको 12 वोल्ट यहाँ पे दे दिया जो ड्राइवर विभाग की सप्लाई है। यानी 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मुख्य रूप से 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक SCR पर जो यहाँ पे लगा हुआ है SCR। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं जो थोड़ी बहुत जानते हैं तो वो मानते हैं ये ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का शकल का है। अगर मैं इसको उलट के देखूं तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जैसा कंपोनेंट लगा हुआ है, लेकिन आप जब उसे ट्रांजिस्टर समझते हैं वो ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि SCR है। तो इसी तरह से हमारे जो सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट SCR कैसे पहचानते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे पहचानते हैं, एक ही शक्ल के अगर कंपोनेंट हैं उसमें से SCR कौन है, ट्रैक कौन है, ये कैसे पहचानते हैं, ये सारी जानकारी भी दी जाती है। तो 12 वोल्ट मैंने दिखा दिया यहाँ पे, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको सप्लाई दिखा दिया और ड्राइवर में, यानी 3 जगह आपको ये सप्लाई जा रही। उसके बाद 10 वोल्ट की सप्लाई जो आएगी वो आपको यहाँ से 10 वोल्ट की चलेगी और सीधा आपको लॉजिक कार्ड पे पहुँचती है 10 वोल्ट की सप्लाई। देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब इसी के 4 नंबर यानी इधर से अगर गिनूँ तो 4th नंबर है, तो ये अगर मैं ट्रेस करूँ तो ये आपको आएगा इस ट्रैक पर। थोड़ा सा इसको नहीं, इसके कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। अब आपको ग्राउंड इस साइड भी रख सकते हैं, और ये वाला जो मोटा वाला ट्रैक है ये ग्राउंड का ट्रैक है।
अब हमें यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है वहां पे 10 वोल्ट मिलने चाहिए, मिल रही है? मिली 10 वोल्ट मिल गई। अब आपको ये यहाँ पे जो एक आईसी लगी है जिसका नंबर है 78L05, तो ये क्या करता है, ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और ये 5 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, मिल गई है। अब यही 5 वोल्ट की सप्लाई आपको इस आईसी में चली जाती है, ये कंट्रोलर आईसी है। कंट्रोलर आईसी के एक एक पिन का डिटेल्स या सर्किट डायग्राम हमारे यहाँ मौजूद है, हम वो सर्किट खुद बना करके बच्चों को दिखाते भी हैं बोर्ड पे और समझाते भी हैं उसके फंक्शन को। उसके बाद यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए इस साइड में, आ रही है? तो ये आपको 5 वोल्ट की सप्लाई लॉजिक कार्ड में दो जगह जाती है, एक तो यहाँ और फिर इस रजिस्टर पे, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये 5 वोल्ट की सप्लाई मिल गई, लेकिन इसके ये रजिस्टर के द्वारा इस रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई इसके कलेक्टर पे मिलेगी, लेकिन ये कब मिलेगी, जब हम बिजली देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का सप्लाई एग्जूम चार्जर में कहाँ कहाँ जाता है इसके बारे में पूरी वीडियो में अच्छी जानकारी दी गई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएंगे, और जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है उसे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होगा जो एग्जूम चार्जर रिपेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल एग्जूम चार्जर ही आप रिपेयर करेंगे, आप हर तरह के चार्जर आप रिपेयर कर सकते हैं, बशर्ते उसका कंसेप्ट अच्छी तरह से मालूम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।